हम सभी मनुष्यों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। सामान्यतः हम सबके यही कर्तव्य होते हैं, यही हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम अपना जीवन, अपने परिवार के लोगों का जीवन, अपने रिश्तेदारों का जीवन, अपने हितैषियों का, सगे संबंधियों का, मित्रों का, समाज के लोगों का जीवन या फिर देश दुनिया के सभी लोगों के जीवन के सकारात्मक पक्षों के बारे में समझें, सोचें, विचार करें। यदि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, सकारात्मक दिख रहा है, सत्राहों से ओतप्रोत दिख रहा है, सत्कर्मों सद्गुणों से ओतप्रोत दिख रहा है, सदचरित्रों से, सकारात्मकताओं से ओतप्रोत दिख रहा है, तो हमें बिना समय व्यर्थ किए उनका पक्ष लेना चाहिए, उनके पक्ष में आ जाना चाहिए। और वहीं यदि इन सकारात्मक सद्गुणों की राहों से विमुख होकर क्रियाकलाप हो रहे हैं तो उसे संतुलित और संशोधित किया जाना चाहिए। हर संभव वह प्रयास हो जिससे कि इनसे विमुख होने वाला व्यक्ति वापस आकर इन सकारात्मक राहों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल सके। हम सबका यही कर्तव्य है। यदि हम सब इसी कर्तव्य के अनुरूप दिन रात एक करके चलने लगे, क्षण प्रति क्षण यह समझकर आगे बढ़ने लगे, तो मुझे लगता है एक ऐसा भी समय आ सकता है जब समाज में केवल और केवल सत्कर्म ही दिखें, सद्गुण ही दिखें, सद्राहों पर चलने वाले लोगों की संख्याएं ही दिखें, सदचरित्रों से ओतप्रोत लोगों की संख्याएं ही दिखें, या फिर सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, उदारता, सरलता आदि जैसे सद्गुणों से भरपूर लोगों की अधिकता दिखे। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा हो ही कहां पाता है। हम सब भौतिकता की चकाचौंध के वशीभूत हैं। हमें सही और गलत की पहली बात तो फैसला लेने में ही हिचकिचाहट होती है। हम समझ ही नहीं पाते क्या सही और क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित। यदि यह कार्य सही है तो उसका हमें पक्ष लेना चाहिए, सही नहीं है तो उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए। पर ऐसा कहाँ हो पाता है। हम अपने निहित स्वार्थ के चक्कर में इन सबको नज़रअंदाज कर देते हैं, सबको उपेक्षित कर देते हैं और अच्छा सा बहाना भी ढूंढ लेते हैं। अरे हमें क्या लेना देना है, अरे हमारे पास इतना समय कहाँ है। इस प्रकार की विचारधाराएं, इस प्रकार की सोच यदि सभी लोग रखने लगें तो इस सभ्यता का क्या होगा, इस मानवता और मानव सभ्यता का क्या भविष्य होगा, इस समाज की परिस्थितियां कैसी होंगी। यदि जीने के बारे में सोचा जाए तो ऐसे वातावरण का क्या होगा। फिर तो सद्गुणों को, सत्कर्मों को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। ये भी प्रकृति का नियम है। यदि अच्छी विचारों को, अच्छी आदतों को, अच्छी गतिविधियों को, सत्कर्मों को, सद्राहों को, सदचरित्रों को, सद्गुणों को आदि जैसे सकारात्मक गतिविधियों को यदि प्रोत्साहन नहीं मिला, तब तो
यदि उनकी देखरेख नहीं हुई तब तो उनका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। देखते हैं ना आप खेत में, यदि किसी फसल की निराई नहीं की जाए तो उसमें किस प्रकार से खरपतवार जमाता है, और यदि फिर भी उस पर ध्यान न दिया जाए तो वह खरपतवार खास फसल को आच्छादित कर लेता है और फसल को बर्बाद कर डालता है, नष्ट कर डालता है। अब समझिए, ऐसी नौबत पनप जाए, ऐसी नौबत के अनुरूप सकारात्मक सद्गुणों से हम अपना संबंध ना साध सकें और इनके विपरीत जाने वाली गतिविधियां, पाप कर्म, नकारात्मकताएं, अराजकताएं, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बेईमानी, दंगा फसाद, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, अशांति आदि जैसी नकारात्मक गतिविधियां खरपतवार की तरह हमारे अच्छे विचारों को, अच्छे गुणों को, खास फसल के जो रूप हैं उन्हें ये अवगुण, नकारात्मकताएं रूपी खरपतवार तो बर्बाद कर देंगे। और जब जब हम उपेक्षित करते हैं किसी सद्गुण को, सकारात्मकता को, तब तब उसका ह्रास होता है, तब तब नकारात्मकताएं उसके ऊपर आच्छादित होकर उसे बर्बाद कर देती। हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा। और आज समाज में जो ये नकारात्मकताएं दिख रही, जो होते हुए पाप कर्म दिख रहे, जो अराजकताएं दिख रही, जो अस्वीकार्य गतिविधियां दिख रही हैं, जो अपराध दिख रहे हैं, वे सब कहीं ना कहीं हमारी ही गतिविधियों का, हमारी ही नकारात्मकताओं का परिणाम है। या तो हमने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, या तो हमने उन गलत राहों को गलत नहीं कहा, या फिर हम उनसे उदासीन हो गए। उदासीन होना भी अपने आप में मौन समर्थन का रूप है। यदि इसी प्रकार से समाज में नकारात्मकताओं को, पाप कर्मों को प्रोत्साहित न किया गया होता, यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर देना जरूरी, हमने अज्ञान के कारण, हमने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी नकारात्मक सोच के कारण, अपनी मतलबगिरी के कारण, स्वार्थपरता के कारण पाप कर्मों, नकारात्मकताओं, अपराधों, अराजकताओं को प्रोत्साहित किया। सोचिए, यदि हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज समाज की रूपरेखा कुछ अलग होती, समाज की स्थिति ऐसी नहीं होती, हमारा समाज सकारात्मकताओं, सत्कर्मों, सद्राहों, सद्गुणों, सच्चरित्रों, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, सादगी आदि जैसे गुणों से हमारा समाज भरपूर रूप से भरा होता। पर कोई बात नहीं, अब भी हमारे पास संभलने का समय है, हम जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाएं।